सोनू टैग कैसेट। सब कर माँ का सुन मेरे भाई, पल में बिगड़े बणी बनाई। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, किसा भरम। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम भाई, किसा भरम। साथ से कितना भाई, सारी कहानी छपी छपाई, सारी कहानी छपी छपाई। जब वक्त पड़े लागे करड़ाई, चले उसके आगे किसकी रे भाई, चले नहीं रे किसे की भाई। किसका साथ से कितना भाई, सारी कहानी छपी छपाई। जब वक्त पड़े लागे करड़ाई, चले नहीं अरे सत्यवान रंग चा क्यों ना लगेगा भाई, न्यू बता भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी से और फिर खेत के आर में इसका हाथ बटाव नहीं आ गया। किसी बात करे से यार दलीप, हम इस मट्टी में मट्टी हो गए, अपने बालका की रेरे बाटी थोड़ी ना करवाएंगे, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा यार। राम राम भाई रणजीत। आ भाई आकरण। क्या हाल चाल भाई? भाई ठीक ठाक। और तेरी पढ़ाई लिखाई? हाँ पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, एक साल की बात है इसको पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सेवा से भाई दलीप, मेहनती छोरा से। अरे एक बात बता, भीतर अपने भतीजे तो फेट का आया? अरे भीतर तय तो आया हूँ। अरे रणजीत फिर सांझ का प्रोग्राम सेट से ना, रागनिया की बात करे से ना। तेरी बेरी के पीछे, तेरे बंगले के पीछे करता। अभी तो मैं जवान हूँ पर देखिए खंडर नहीं मकान हूँ। भाई भाई बचने टिकले ना, नजर मार जाएगी पैड़ को, मेरी नजर तो नहीं टिक गया। अरे सुनू देखो डॉक्टर बाबू को क्या राय लाग रही से। अरे छोर हो बेशक थारी नजरा में टूटी छान हूँ पर इबी बिल्डिंग वाली जान हूँ। इब्बे के मारा बाबू धर्मेंद्र तक कम से
अरे सुंडू तने भाई धर्मेंद्र की याद दबा के मेरे जमाने के दिन याद दबा दिए। और देखे एक बार और बता दूं, अरे बाबू के डोले, अरे बाबू के डोले ये डेंजर डोले थे। फिर भी बाबू बता देना कित जान लाग रहा से। अरे मेरे कार्जे के गोशो मैं जांगा रणजीत के उसका छोरा हो रहा है और थारे बाबू का सबके सामने उठा है। धर्मेंद्र लग गए है नरा मुकरी लग गए से और वो बात से कोदी उठान में पड़ी और सोनीपत का बाड़ा बचिए। अरे कुंडू तू छोड़ दे ना बाबू गेला आप भी चल रहे उड़े। अरे भूखे मर गए कबाड़ हो जागा उड़ खान खान का नहीं रोड़ पीन का जुगाड़ हो जागा। मेरे बटे घर में दोनों बाबू बेटा लक्ष्मी पैदा हो गए। जाज के माँ बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लट के आए। जाज के माँ बैठ गोरी
मार के सारे लड़ेंगे। अरे दलीप, दलीप भाई, अरे बधाई हो दलीप भाई, बधाई। आ जा भाई रणजीत। अरे क्या मैं ढीला बोला दलीप? अरे घर में लक्ष्मी आ रही। अरे तू की तो छोरे छोरी का फर्क तो नहीं मान गया भाई। रणजीत, मैंने दुख इस बात का नहीं सर, अब मेरे दूसरी छोरी होगी, पर अफसोस इस बात का से मेरे भाई, अक पारो ही भाग गए, माँ नहीं बन सकती, अरवंश चलावता ही एक छोरा तो चाहिए मेरे भाई, एक छोरा तो चाहिए। सब कर्मा दर्बियों से दलीप कमजोर बात नहीं करया करते। अरे आजकल छोरी किस क्षेत्र में पाछे रह रही है मेरे भाई, अपने आने पढ़ा लिखा कामयाब बना। बात तो तू ठीक कैसे रणजीत, बात तो तू सोड़ा ने ठीक कैसे, छोरी आजकल क्या हमें भी पाछे ना रह रही। मैं अपनी छोरिया इन्हें पढ़ाऊंगा, उन्हें पे जोर लाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात, चल इन खेत में चल लाएंगे। चल एक बात से दलीप। हाँ भाई। राम जी टाइम ते दो दो आंगल कर देना। हाँ। गुजारा हो जाए मेरे यार। अरे गुजारा क्यों, चोखा नाज हुए पाछे ठाठ हो जाएंगे भाई। अरे करण करण,
की ज्ञान भाई? ज्ञान के भाई, मैं तो न्यू सोचू सू पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी नौकरी कर लू। अरे की बात कर रहे, समस्या बता। समस्या तो यह है भाई, कॉलेज में पढ़ने ताई चाहिए फीस, और घर के हालात तुमने बेराई से। अरे जब फीस की इतनी बड़ी बात करने, रे तेरे दो दो भाई से इब्बे, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, तेरी पढ़ाई का खर्चा हम दोनों मिलकर उठावांगे। अरे एक दो साल की बात से पढ़ाई पूरी होए पीछे कितना सरकारी नौकरी लाग जाएगा मेरे यार, किसी बात करे से यार। भाई तुमने यह बात कह के बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, थारा छोटा भाई किसे लायक बन गया तो तुमने किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। अरे बावड़े, सब भगवान भली करेंगे। रखो साके। हाँ कौन सा सही, आ जा। हाँ भाई, गुगन का घर यो ऐसा है। घर तो यो है पर तू के वैसे है। जी मैं कालिया वास्ता आया था। कालिया वास्ता आया था है? अच्छा। वह है तेरी शक्ल है बतावा है। अच्छा जी। हाँ पर न्यो बता काम के है। जी मैं रिश्ते खातर आया था जी। रिश्ता? हाँ भाई ये पता, रिश्ता करना आया था। तू छोरी का केला के है, बाबू भाई काका ताऊ केला के है। जी मैं छोरी का भाई सू। भाई लग गए है? हाँ जी। जब छोरी का भाई इतना काला है तो छोरी तो जरूर कोका कोला कलर की होगी। अरे गुगन, 12 साल में कुड़ी के भाग जागे हैं, किससे कलर की हो? तो सुन भाई। हाँ जी। देखे गुगन का पूरे गुआंड में नाम है, और देखे बैंक बैलेंस, और यो घर, और बड्डी तो तने देख ली। देख ली जी, तो देख ली। तो फिर के बेचार है? ये सारी बात ठीक से, पर एक बार छोरे ने तो बुलाओ। छोरे ने बुलाओ? हाँ जी। अरे छोरा तेरे सामी खड़िया रे। जी आपके गलत फहमी होगी, मैं तो जी आपके छोरे के रिश्ते खातर आया सुन जी। गलत फहमी? और मन में होगी? हाँ जी। तो न्यो करे रेपट जा, रे भाग जाऊंगे से, और बनी से पहले मुड़ के भी देख लिया कुत्ते ला दूंगा। के कही? आजा है छोरे देखने, रास्ते भी नहीं कर रहे हैं उते। पर एक बात से गुगन, यो आखिरी चांस भी तेरे हाथ में गया। कुंडू भाई। हाँ बोल कुंडू भाई। दो पैर जाते एक शेर बन गया। अच्छा रे, आज तो तू शायर बन गया। सुना फिर शेर सुना। हमने किसे तो प्यार कोन्या, हमने किसे तो प्यार कोन्या। और किसे ने मारे तो प्यार को लिया, और किसे ने मारे तो प्यार को लिया। अरे ओ भाई, एक मिनट, तेरा यो गैर अड़े अट गया रहेगा, आगे भी क्यों बोल लगा? बीच में मत बोल रही है ना, कत्यों हमने किसे तो प्यार को लिया, किसे ने मारे तो प्यार को लिया। और मारी जिंदगी इस तरह हो रही है जानो, भैंस की कोर में न्यार कोना। रवा डांगर माने इतने भाई, आज मेरा शक दूर हो गया भाई। शक? किसा शक? अब तू भी मेरे बाबू की औलाद से मैं समझा कोने। अरे समझनी आदा समझ गए तू, छोड़ उस बात ना। कुंडू आज तने बात कही से ना, कति सही कही से, मारी जिंदगी बिना न्यार की खोर से। थारी ते सारी उम्र न्यूमर आवेगी। अरे आ करण भाई, आजा करण भाई, बैठ आजा। नो बता पर तने ये बात क्या कही भाई? भाई मने ठीक कही,
इस दारू ने छोड़ दो, थारी जिंदगी की खोर में न्यारे न्यार से। इसकी जगह घी दूध पिया करो जो थारी देही में भी लग गए। नो बता, यो घी दूध कैक दिना में लग जा है? दो एक महीने में। ऐ मरे यार, अरे यार मरे बेटे पींदे लग गए। भाई ठीक से हंस लो आज मेरी बात पे, थारी ते छोटा हूँ जब थमना हंसी आवे है, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे अपनी करनी पे। जानती कुंडू भाई। हाँ कुंडू भाई। करण भाई ठीक है? हाँ पर करा के, इस दारू के बिना हम जीवित तो ना सकते कुत्ते। और कुत्ते के पिसु कुत्ते पे मरया करे कुंडू भाई, कुत्ते पे मरया करे। राम राम सेठ दलीराम जी। राम राम। ओ रणजीत। राम राम भाई, आजा बैठ। और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया, आज बढ़िया दिना में जी। क्या भाई, घने दिना में याद आया सेठ धनीराम। और सुना ठीक ठाक? ठीक ठाक सेठ जी। चोर है तेरे काका खातर चा लेके आये कॉपी। हाँ बढ़िया दिना में आया जे सेठ जी। ऐसा था, एक छोटा सा काम आया था आप दोरे। क्या काम आ गया रणजीत? टाइम चल रहा था थोड़ा सा खराब, ये थोड़े से गहने से बाप इन गहन अंदर रख लो, जब पैसा का इंजाम हो जाएगा आपके दे जाएगा और अपने उठा ले जाएगा। हम कह रहे हैं रणजीत, जब तुम्हें पैसा की जरूरत थी तो ये लैंड की क्या जरूरत थी? पैसे तो मैं तुम्हें न्यू दे देता, रही चौधरी की टूम लैंड की क्या जरूरत थी? ईसा से सेठ जी, हमने बेरा से मारा सेठ बहुत बढ़िया आदमी से, पर वो न्यू क्या करे ना, गोड़ा घास तैयारी करेगा तो फिर खाओगा की? इन रख लो, फसल बेच के आपके पैसे दे जाऊंगा अपनी टुम्मा ने ठा ले जाऊंगा। ले वा बात तो तेरी ठीक से, अरे बाकी तेरी चीज और की नहीं मैं मूल पे। सेठ जी आपके बारे में सब जाने, साहब बड़े व्यवहारी आदमी सो, बड़े बढ़िया सो। दल रखू जू ना मैं रखू नहीं, और ना बाकी और की जाएगी के मजाल मठनी भी ना जुनू घने गांव में बने के बता। हाँ अपना आदमी से तू, अरे ये बात पैसे की भाई हो तो व्यवहार से चलता ही रह से। भाई पैसे का मामला से रणजीत। हाँ अरे और कोई होता हम क्या नहीं दिया, घने आवे से ये ले पकड़े। कितने एक सौ सेठ जी? तेरी टूम थी उन ते के मने के मैं ज्यादा दिए से मने। चलो ठीक से सेठ जी। अच्छा भाई चलूं सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े टाइम पे साथ दिया आपने। अरे देखिए आपका पैसा भी आपका सूत भी कति टाइम पे पहुंचाऊंगा। अच्छा राम राम सेठ। राम राम भाई। राम राम। रे के कर रही है भगवान? आगे जी आप बैठो, आप ती पानी लाऊं सू। रे छोड़ तू पानी पात ना, बैठ तेर तक मैं बात करनी से। और के रहा? रहा के बाणिए के ते मैं होया या। हाँ। ले पकड़ पैसे, पर मने नहीं लगता इतने पैसा में हम तोनू काम कर पावांगे। बैल भी लेना जरूरी से, और छोरे का किसे बढ़िया स्कूल में दाखला भी करवाना जरूरी से। देखे मारा टाइम इब ठीक नहीं चल रहा, दीपक का दाखला तो अगले साल भी करवा लेंगे, पर बैल खरीदना तो जरूरी से। लोग अंत बाबो भी लिए। किसी बात करे से बावली, मारी जिंदगी का एक का मकसद से अपने बालक ने कामयाब करना। हम इस मट्टी में मट्टी हो गए, अपने बालक की रे मट्टी नहीं होने जाएंगे। हर कीमत पर मैं अपने बालक का दाखला इससे साल करवाऊंगा, मैं उसका साल खराब नहीं कर सकता। ठीक से जिसा तुमने सोचा ठीक का सोचा होगा, जिसमें आपकी खुशी उस समय मेरी खुशी, ईब तरो टिलियाऊ मैं थारी खातर। अरे के कर रही से भगवान, जल्दी तो छोरे तैयार कर दे, देख बस का टाइम हो लिया, इसके बाद बस 12 बजेगी से, और बस लेकर गिना तो चाड़ा हो जाएगा। बापू से कह देना कि मन्ने स्कूल में ना भेजे। चाहू तो मैं भी नू वैसू, पर तन अपने बाबू के अरमान भी तो पूरे करने से। मां अरमान के हो हैं? इम्मत ने क्यों कर समझाऊं, तना बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना से। माँ अफसर तो मैं वो भी बन जाऊंगा। पर बेटा अफसर बनने के लिए पढ़ना भी तो पड़ा से, और पढ़न तई तना बड़े स्कूल में जाना पड़ेगा जब तक तू अफसर बनेगा। दीपक की माँ तावड़ कर, बस का टाइम हो लिया। हाँ हूँ जी। चल बेटा, तेरा बाबू बाढ़ देखने लग रहा है।
आजा मेरे बेटे, चल तने स्कूल छोड़ का। पारो, बालकां के भागते इबके ने भगवान ने नाज अच्छा दे दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। अरे काम करो, अब के बल्दू की जोड़ी ले लो। हाँ, भगवान ने चाही ते यो सपना भी इबके ने पूरा होगा। मैंने सोच रहा था अक कल रणजीत जागा मंडी में नाज लेकर, और गांव की दो तीन गाड़ी और भी जाएंगी। मैं भी कल बोल धाकार गाड़ी का इंतजाम करके नाज ने घेर आऊ। अरे ये तो तुमने ठीक सोची, दो पैसे किसी के वे भी उतर जाएंगे और बालकों की फीस भी भरी जाएगी। बस तो फिर इब तू तकाजे जागे सो जा और तड़के बखता बखत उठ के मेरी रोटी बांध दिए। ठीक है। लिया भाई दीपक की माँ रोटी छोटी दे तावली सी, देखे गाड़ी जुड़ी खड़ी से। ओहो बुरा सूरा। लो जी के बात से आज रगम घी भी डोला तोड़न हो रहा है, के बात भगवान। तन्ने याद से तन्ने एक वादा करया था। अरे दाऊ याद से सूट की बात कर रही है ना। अरे इतने कसूते थान में दपड़वा के लाऊंगा, ऐसा लाऊंगा जैसा पुरानी फिल्म में मुमताज पैरा करती। मन्ने ना चाहिए मुमताज सुमताज जैसा, मन्ने तो ईसा चाहिए जैसा काशी के ब्याह में मांगे की बहू ने पैरा था, छिट्टा आला और दिखे उसे रंग की चूड़ी भी लाइए। अरे तू छिट्टा आला ले और चूड़ी के बात करे, चूड़ी लाऊंगा तेरे ताई फिरोजाबाद की कती एक नंबर। लो एक रोटी और लो। बस कती नहीं भाई, रोटी कती नहीं, आज तो इतनी खाली मेरे ख्याल में तो सांस तक जरूरत नहीं। और बता दे इब्बे के मोर को फरमाइश होता है ना, आज तो पैसे सही से आऊंगे गोज में ना। मन और कुछ ना चाहिए और दिखे अपने ताई भी कुछ ले आइए। मेरी चिंता तू कती मन ना करे, ठीक से ना, मैं अपने आप ले आऊंगा। अच्छा मैं चालू हूँ, ठीक से। ठीक से। अच्छा फेर बोरी रेठा के छोड़ा झंडी, वो पूरे साल की घाल कमाई, पूरे साल की घाल कमाई, चलिया शहर की वंडी। जमींदार चलिया रे, ओ जमींदार चलिया रे, जमींदार चलिया रे, ओ जमींदार चलिया रे।
यारी टोली यारा की उड़ कट्टे होके सारा की कोई मीठे का लाड़ा से कोई करे सिफारिश बोतल की के लिया ये यार भूगड़े खास रेबड़ी रोतक की आज जमेंगे यार रे सारे भर जा हेली ठाटी जमींदार चला रे जो पाट देख री ठाटी ओ जमींदार चला जमींदार चला रे करके खाली गाड़ी जमींदार चला ए ताई रे के बात होगी क्यों गला पाड़ रहा है वो आ गया माँ हे माँ मैं आ गया रे दीपक हाय मेरे लाल कितना बड़ा हो गया तू अरे यू के हाल बना रखा है पूरा तेने कुछ खाया नहीं तू तो बिल्कुल कमजोर हो गया रे माँ हॉस्टल में तेरे हाथ की रोटी ना मिली थी ना जहाँ तक कमजोर हो गया मैं तू बैठ मैं तेरे खाते कुछ लेके आऊं रे दीपक नमस्ते पिताजी रे तू कद आया मेरे चांद रे शाबाशे देगी निर्मला शहर में रहेगा थोड़ा कति सहरिया जी सा दिखने लग गया कति बबुआ सा अच्छा तो ये तेरे काम से 24 घंटे मट्टी में सांधे रहे सा हाथ ने जा पानी लेगा मुंह दवा छोड़ेगा मुंह खराब कर दिया आते ही और बेटा ठीक ठाक हाँ बाबूजी और पढ़ाई की सुना बेटा किसे को हो गए तेरे पेपर पिताजी पन्ने पता बढ़िया होए गए बाकी तो रिजल्ट आए पछे बेरा लगेगा किसी बात करे से मेरा बेटा लाखा में एक से मेरे बेटे के इतने नंबर आओगे इतने शेर जी राम राम ओह रणजीत राम राम भाई आजा बैठ और सेठ जी और रणजीत ठीक ठाक भाई ठीक कैसे सेठ जी इजे मरे मन ते ठीक क्यों कैसे भाई कि मैं परेशान सा दिखे जगह में के बताऊं सेठ जी परेशानी भी से और खुशी की बात भी से खुशी की बात या से कि थारा छोरा पूरे जिले में फर्स्ट आया से और परेशानी या से सेठ जी कि उसका दाखला करवाना चाहूं किसी बहुत अच्छे कॉलेज में और उसके ताई चाहिए पैसे और पैसे रे के माड़ी माड़ी बात करने लाग रहा है रणजीत रे पैसे के ऊपर छोरी ने डबो होगा कची रे पैसे यो सेठ धनी राम क्या ताई बैठा से हैं सेठ जी पैसे तो चाहिए से पर धरण ताई ना कुछ हैं जमीन जरूर से तू कवे तो पटवारी दोरा कागज ले दूं या तो घनी माड़ी बात कह दी तने रणजीत
रे हम ते तोरे फरद लेंगे रे मारा थारा 40 साल पुराना व्यवहार रे आज तूने कहा फरद दे दूं रे तेर ताई दियो रुपया मारा दूध पीवा से अर जगे तेरे छोरे की ना पढ़ाई ना रुपया का बेसर धनी राम नहीं रुकने देगा ये ले रुपये किसी बावली बावली बात करने लाग रहा जे टोरा टोरा एक नंबर का टोरा जिन 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 वाओ कॉलेज तो एक नंबर का है यार कई बात नहीं अपन भी एक नंबर का है क्या जिक 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मैं हाँ तू इधर आ फर्स्ट डे जी हाँ नया है तू तो गया है ओए ऊपर देख भाई को नहीं जानता ना अरे जान गया भाई पीएसपीओ 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 ओए क्या मतलब है तेरा अरे मेरा मतलब है यार पुराने से पुराना उस्ताद गुड इंटेलिजेंट तुम एक काम करो उस लड़की को जाकर फूल देकर आओ अर्सन उसे भी ओए उस लड़की को भी फूल देकर आओ Excuse me. Oh, hi handsome. Hi. वो क्या है कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, Miss Tina. Tina. इन खूबसूरत से लहलाते बालों में अगर ये गुलाब का फूल लग जाए ना, तो आपकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी. Oh, really? Yes. तो लगा दो अपने हाथों से. बस. Thank you. क्या मैं फूल वाले हैंसम का नाम जान सकती हूँ जी बंदे को दीपक कहते हैं ओ दीपक जी तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं आज शाम को मेरे मामा की बहन की मौसी की बेटी की शादी नहीं बर्थडे है तो आज मैं वहाँ बिजी हूँ मैं आपसे कल मिलूंगा ओके बाय ओ फूल वाले हैंसम अपना फोन नंबर तो देता जा बोलो ना कल कमाल है यार जिस लड़की टीना ने मैक्स के थोबड़े का फर्नीचर एक ही थप्पड़ में हिला दिया था उस टीना ने इस लड़के के हाथों अपने बालों में फूल लगवा लिया देखिए भाई ये तो जादूगर है काफी खूबसूरत गार्डन है काफी सुंदर सुंदर फूल पौधे लगे हुए ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी मेहनत कॉलेज के गार्डन को बनाने में लगा दी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मगर कुछ कमी है अब क्या कमी है वो ये कि चलिए छोड़िए आपको ही देखिए आपकी आंखें आपके गाल आपके होंठ आपके बाल आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या मेरा मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने संगमरमर की इमारत मेरे सामने खड़ी कर दी हो
ओह माय गॉड, मेरी इतनी तारीफ आज तक किसी ने नहीं। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मगर वही कमी। क्या आप किसी से प्यार करती हैं? नहीं तो? नहीं, वही तो अगर आप किसी से प्यार करती ना तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। वैसे तो चांद एक ही है, बाकी के तीन शायरों ने बनाए। तो आप शायर भी हैं? जी। तो शायर साहब, आप किस तकल्लुफ से वाकिफ हैं? जी, पता चलते ही आपको खबर कर देंगे। वैसे आपके लिए मेरे पास ये फूल है। थैंक यू। यू वेलकम। काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हैं आप। अजी, हम कहाँ इंटरेस्टिंग थे, अब हो गए हैं। वो कैसे? आप जो मिल गई हैं। तो आज शाम को बुद्धा गार्डन चले? आज शाम को मेरी मामा की मौसी की बहन की बेटी की शादी है, तो आज शाम को मैं वहाँ बिजी हूँ। तो मंडे को? हाँ, मंडे को पक्का। ये तो जादूगर है, इसने तो कमाल कर दिया। अरे अभी तो कमाल बाकी है, अगर मेरी नीरू डार्लिंग तब बच ज्यादा मान जाऊं इसने। सुनो क्या नहीं यार, ऐसे नहीं। अरे यार, मैंने कहा तो था। यही। हाँ, और क्या बयां करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तुझे बनाने वाले ने खुद पर आजमाए होंगे निराले आपके अंदाज। ओए, किसको कह रहा है तू? आए, आवाज और खूबसूरती का तालमेल कुछ जचा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज भी होनी चाहिए। नहीं? ओए, क्या हुआ मेरी आवाज को? जी हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा है। अगर आप प्यार से बातें करेंगी तो काफी अच्छा लगेगा हमें। मुझे कोई छेड़े मुझे पसंद नहीं। छी छी, भला किसकी मजाल है जो हमारे होते हुए आपको छेड़ दे। पर अगर कोई आपकी तारीफ करे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। गुड, वेरी गुड। आप जितनी खूबसूरत हैं उतने ही अकलमंद भी हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। थैंक यू। अब मैं जाऊं? प्लीज, जरा सुनिए मिस नीरू जी। हाँ जी। ये फूल अगर आप अपने साथ रखेंगी तो आपका दिन हंसी खुशी मुस्कुराते हुए बीत जाएगा, गुस्से से नहीं। थैंक यू। ले भाई दीपक, ये तीनों तो निपट भी गई और पट भी गई, अब वो विक्की भाई का हिसाब किताब रह गया। अबे हट, भाई को बैठने दे यार। वाह दीपक भाई वाह, तुमने कमाल कर दिया। तुम भी बड़ी पहुंची हुई चीज हो, आज से ये लव गुरु भी तुम्हारा फैन हो गया। इसी बात पर मिला ले हाथ। अरे मिला ले, बहुत कम लोग हैं दुनिया में दीपक जिन्होंने विक्की से हाथ मिलाया है। अच्छा। दीपक भाई एक बात बताओ, तुमने एक कमाल किया कैसे? सो सिंपल यार, साइकोलॉजी। यस, साइकोलॉजी। पहले लड़की की फिजिक्स को अपनी आंखों की जूम लेंस से नीचे से लेकर ऊपर तक टेस्ट करो, फिर उसकी केमिस्ट्री को अपनी केमिस्ट्री से मैच करवाओ, फिर उसकी साइकोलॉजी को समझकर अपनी साइकोलॉजी के शीशे में उतार लो, फिर चाहो तो उसका बायोलॉजी टेस्ट भी ले सकते हो। अरे वाह यार, तुमने भी कमाल की पटाऊ डिग्री ले रखी है भाई। ये तो आपकी टक्कर का लगता है। मेरे प्यारे बेवकूफ मैक्स, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से की जाती है। दीपक, तुम इतना इन लड़कियों के बारे में जान कैसे लेते हो? क्यों, ये सब तुम्हें इस लव गुरु ने नहीं बताया? अरे दीपक भाई, ये सब बातें मैं इनको बता दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो ये सब बातें इनको मैं बता देता हूँ। देखो भाई,
लड़की की चाल देखकर उसके स्टेट का और लड़की के बाल देखकर उसके शहर का और लड़की के गाल देखकर उसकी कॉलोनी का और लड़की का हाल देखकर उसके घर का पता चलता है और लड़की के सैंडल देख के भाई पिटने वाले का पता लगता है। यार विक्की Bye.
क्लास। विक्की भाई आया है, जरा चुपके से बैठो। ए छमिया नीचे बैठना। यार कल मेरे साथ एक जबरदस्त हादसा हुआ। बताऊं? कल यार मैं केले वाले की दुकान पे गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है ना, मैंने उससे पूछा भाई केले कैसे दिए, वो बोला बाबूजी 5 रुपए के दो। मैं बोला एक कैसे दिया, बोला एक 3 रुपए का। मैं बोला 3 वाला रख, 2 वाला दे दे। मास्टर यार। क्या हो रहा था भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मस्ती हो रही थी? नो सर। बेटा मस्ती करूं, लेकिन मस्ती के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। चलो अटेंडेंस बोलो। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। यस सर। रोल नंबर 6। यस सर। पारो ले आओ ना चा। लो जी। ले दे, बैठ जा, तू भी आड़े बैठ के पी ले। मंजू की माँ, देख मंजू की पढ़ाई तो पूरी हो ली, भगवान ने चाहा तो ऋतु भी के ने बीए कर लेगी, अगले साल बीएड करवा के और फिर राम राम चैन। आज मंजू का इंटरव्यू है, ठीक ठाक हो गया तो भगवान की दया से सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाएगी। हाँ यह बात भी ठीक कह रही तू। अरे मंजू आ गई तू। माँ मंजू आ गई। माँ आ गया बेटे? हाँ पिताजी। हाँ किसा हो गया पिताजी? बढ़िया हो गया, नौकरी लगने के पूरे पूरे चांस हैं। आखिर बित्ता किसका है? मैं तेरे पिताजी तो यही बात कर रही थी यहाँ बैठी बैठी। रकुंडू रख, क्या बात हुई? कुछ ना। किसी ने मारा तेरा? ना। किसी ने कि मैं कया हो तेरे? ना। फिर के किसी ने चुटकी भर ली तेरा जो तू इतना ठाडू ठाडू रोल लाग रहा? जवान जवान होया करते। हाँ होया करते, हमारे रिश्ते भी बहुत आया करते। कत्ती आया करते भाई? कुछ रिश्ता मतलब पढ़ाई लिखाई का चक्कर पड़िया करता। हाँ पड़िया करता। परी बाबू ने देखा ना बाल खाले करके। हाँ पेंट बुशर्ट पहन के। हाँ हाँ। और काला में नए छोरी की तरी अंडे से। हाँ। और इन्हें मारी चिंता को दे। मैं समझ गया भाई, तू रो ना, मेरी बात सुन। जब तक इस बाबू का है ना इलाज नहीं करांगे ना, जब तक कुछ नहीं होना हमारा। मेरे दिमाग की अलमारी में एक आइडिया से कान करो रे ना। और ये मेरी तरफ से 500 और 500 रुपये और लगे। कुर्सी मूड में आज ताई वाले भाई, वो क्या है ना यार, आज तो पुल का मूड ही कुछ और है क्या? आप ये पासे मूड दे बने से आ गए। दीपक तू बोलता है तो मैं शो करता हूँ। ये ले चाचा 1, ये चाचा 2 और ये चाचा 3। एक मिनट विक्की। पीछे कर यार, अभी मैंने पत्ते शो नहीं करे। ये रहा बाप 1, ये रहा बाप 2 और ये रहा बाप 3।
अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था आज अपना मूड कुछ और है। क्या बात है दीपक, लड़कियों की तरह पत्ते भी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। तू कमाल है चाचा। मैंने कहा था ना यार, मैंने कहा था ना यार। सपने में रात में आई वकर की दाड़ा रे, मेरी बहू बना दे राम रे टूसू माड़ा रे। ओए भे तने 15 साल हो लिए इस पोस्टर में खड़ी ने, बार कदावे ही तू इनते आ जा। ए कोई सह क्या रे बोली कित के दोगी? ओहो आगी आगी सने योरिया। न्यू बता के काम था? कमरा लेना था किराए पे। कमरा लेना था किराए पे? हाँ। न्यू बता तेरे गैल और कौन रहेगा? और तो कोई ना रहो, मैं एकली रहूंगी। अरे एकली रहेगी? एकली रहूंगी। तो सारा घर तेरा ही नहीं है बोली? हाँ काम की क्रिया करे। मैं आंगनवाड़ी में खिचड़ी रांधिया करूं। खिचड़ी रांधिया करे? हाँ। तो मेरी भी खिचड़ी रांधी है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है झटपटी झपटी। झपटी? अरे ते बैरन इब तो मेरे क्यों ना लिपटी है कपटी। ओहो ओहो बाबू यो क्यों पकड़ लिया तू? अरे बेबखत की औलाद कटी बिगाड़, तन्ने भी बट पकड़ा था। न बताओ सुंडू किसे? सुंडू? हाँ बाज गया वो तो है। बाज गया? हाँ कित बाज गया? दिल्ली बाज गया। दिल्ली? तू कह रहे टेंडे ले है तू ही बाज जा। मैं तेरा मारा डट गया। मेरे मारा? हाँ क्यों फिर तेरे टिकट कौन पाते? बात सुन ले, मेरी तो खिचड़ी का जुगाड़ हो लिया और तू इस घर से लेकर जा रेपट जा। और आ जा नहीं तो दिखा दू के क्या क्या कमरा घर आ जा। हो आ गया बेटे? हाँ पिताजी। हाँ किसा हो गया इंटरव्यू? पिताजी बहुत अच्छा रहा, पता है वहाँ के प्रिंसिपल सर बच्चे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मंजू तेरे तो लुकमा हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। परिवार बहुत संपन्न और समझदार से, लड़का भी बहुत सुंदर से, बिजली वाला में लाग भी रहा है। तो हमारी बेटी के किसी तक कम है? खूब पढ़ी लिखी है और सरकारी स्कूल में नौकरी भी करा और बतेरा कमावे। हाँ, मैंने सोचू सो अजीब के साया में इका ब्याह तेरे जा। हाँ यू ठीक है। शर्मा जी। शर्मा जी मका की कर रही थी? दिखता नहीं था ना, आँख फूट रही थी। तुझे छोमा आ गई फटफटी? फटफटी नहीं, मेरा नाम झटपटी झपटी है। हाँ हाँ वो झटी झटपटी मैंने को था के कई दिन ते एक बात मेरे मन में आ रही थी के देखे इतने दिन हो गए तो नहीं इतना ही मेरे ते मुंह ना दिखाया तो ना कई हो ना तो ही दिखा दे। न्यू थोड़ी दिखा दूंगी मुंह। और क्यों कर दिखाओगी? मुंह दिखाई लूंगी। मुंह दिखाई? मुंह दिखाई? हाँ। पहले क्यों ना बताई? ये ले 100 रुपये। 100 रुपये? 500 रुपये लूंगी कितनी कड़कते? 500? हाँ। अच्छा 500 500 न्यू करे ये ले 300 रुपये। 300 रुपये? हाँ 300 200 किराए में कट गए। तुम तो न्यू कहो थे बोला मैं तो मालिक सो पूरे घर की। ओहो वो तो सही है तू है मालिक। अच्छा न्यू करे ये ले 500 मैं तो मजाक करूं था। न्यू करे इब मुंह से दिखा दे। इन गाल तो लूं बोला मैं गाल ले गाल ले।
मुन्ने ते ईसा लागे है जमुई सी इसकल मरे सुंडू ते मिलती हो सुंडू कौन सुंडू कोई ना मैं ते मजाक करूं था ए न्यो करे मैं बाजार में जाऊं हूं और तने के मैं खाना हो तो बता दे मने हां बता केले उतरा खाते मने मने है ना जलेबी बढ़िया लागे से जलेबी ओहो ईब ले आया तू न्यो करे चाय बना ले चाय हां चाह तो ना मैं पीती ना मैंने बनानी आती पीती भी नहीं ठीक से फिर तेरे खातिर जोशमी का मूस ले आया यो गया जोशमी का मूस हाँ वो क्या उसे मौसमी का जूस अच्छा हाँ ईब गया अरे यो गया अरे ये गया हाँ जा आह अरे पंचे वो बता था कौन कहता है मैं शराब के कौन कहता है मैं शराब हूँ ना ना थोड़ी और दारू जस्ट मोर दारू वो थोड़ी और दारू वो जस्ट मोर दारू वो थोड़ी और दारू कई दिन तक एक विचार मेरे मन में आ रहा था वो के मैं सोचू था अपना ब्याह कर लूं कर ली पर टेंशन बढ़ रही है के टेंशन बढ़ रही है न्यू सोचू था कमाई से करूं अक विधवा से करूं ब्याह तो कर ले विधवा तो आप पे हो जाएगी ये कही ना ना मैं तो मजाक में कह रही थी इब तो आप जवान सो अच्छा तंदुरुस्त सो ओहो कति धर्मेंद्र जी से हो धर्मेंद्र है हाँ यह बात तो मेरे बेटे भी कहे है कि मैं धर्मेंद्र जी सा लागू हूँ कोई बात ना जो मन ने भी कह दी अच्छा हाँ तो न्यू करा फिर आप दोनों ब्याह कर लिया हाँ कर तो लूंगी हाँ। पर मेरी एक शर्त है शर्त हाँ तो शर्त बहुत लाव है ना मैं कोना करती ब्याह अच्छा ले बता के शर्त सब अभी पूरी हाँ। करांगे मेरी शर्त है ना हाँ। मेरी शर्त यह है कि एक तो जो जमीन जायदाद है तेरे दूर है अच्छा और जितना भी पैसा से अच्छा है हाँ। और यो घर अच्छा दोनों अपने छोरे के नाम कर दे छोरे के नाम कर दू हाँ तो फिर आप कि जाएंगे छोरे भी तो अपने हैं हाँ तो अपने कदे मेरी मिट्टी का छोरा गल भी टाका हो के कहा मैं तो वही बात कर रहा था पर एक बात तो है झटपटी हाँ के कागज पत्र तक हो ना कागज पत्र तो मैं ले रही हूँ सच थे हाँ अच्छा लग उठा उठा क्यों लाओ पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ पढ़ूंगा बहुत बढ़िया देखे एक बात है हाँ के मैंने मेरे छोरे पे भरोसा नहीं है कोई बात ना जी मेरे पे तो भरोसा है हाँ बिल्कुल है तू कहे तो मैं दस्तक करूँ हूँ हाँ कर दे करूँ कर दे देखे करूँ हूँ मैं हाँ हाँ कर दे ए, ले हाँ, हाँ। मैं एक काम कर लूँ मैं पंडित में बुला लिया हूँ हाँ बुला ले पंडित की क्या जरूरत है बाबू जो आ गया पंडित अरे तू फेरा गया हाँ यह भी एक हिंदुस्तान में मिसाल बनेगी जब कोई छोरा अपने बाबू के फेरे करवाओगा क्यों करे
यह समाल अपनी बनो और तेरी तेरी शर्म बाजरी से तना बुढ़ापे में शर्म नहीं आती। हाँ बेटे, मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है और मेरी शर्म भी बाज रही है। मैं अपने छोरा ने पागल समझा करता, बेवकूफ समझा करता, पर आज मेरे छोरा ने मेरी आंख खोल दी। मेरी आंख ठीक है बेटा, तुम अपने घरबार ने संभालो और मैं यू चल रहा। ना बाबू, हम तो नहीं जानते हैं कितने भी। नहीं बाबू, हम नहीं जानते हैं कितने भी। हम तेरी सेवा करांगे। मार दो रहेगा बाबू तू। हाँ बाबू। आगे जी आप की तो आए बैठो। अरे की तो आया, एक बार डाक खाने ताई गया था। हाँ। दीपक ने के मैं पैसा की जरूरत थी। अच्छा, पर एक बात नहीं समझ में आती मेरे, पिछले हफ्ते तो हमने पैसे भेजे थे, इतना खर्चा मेरे देखे मैं समझ में आता नहीं भाई। किसी बात करो सो जी, मन्ने अपने दीपक पे पूरा भरोसा से। ई वो बालक नहीं रह रहा, ई वो कॉलेज में पढ़ा से, और कॉलेज में पढ़ने वाले बालका का खर्चा तो होया ही करे। खर्चा तो होया सब बागवान, पर जवान बालक से चिंता भी हो जा से। आप तो खाम खा चिंता करो हो जी, थोड़े दिनों में हमारा दीपक पढ़ाई पूरी कर लेगा, फिर तो हमने किससे बात की कमी नहीं रहने दे। यार विकी, तू यहां बैठा है? अबे कैसे उदास बैठा है पहलवान? बस ऐसे ही यार, मूड खराब है। अबे मूड खराब होने की कोई वजह भी तो होगी। वजह? शर्त हार गया और शाम को दोस्तों को पार्टी देनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है दोस्त, पार्टी के लिए जेब में माल होना भी तो जरूरी है। डोंट वेरी यार, इस बार तेरा काम मैं चला देता हूँ, मेरे घर से पैसे आ गए थे। ओह थैंक्स यार, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं तुम्हारे पैसे परसों लौटा दूंगा, पापा पैसे भेजने वाले हैं। अच्छा ये बता, वो तेरी नीरू का क्या रहा? लोहा गर्म है यार, बस थोड़ा मारना बाकी है। तू भी ना यार, मास्टर आदमी है। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। यस सर। रोल नंबर 6। राहुल जी। रोल नंबर 7। प्रेजेंट। रोल नंबर 8। यस सर। रोल नंबर 9। गुरुजी। रोल नंबर 10। यस सर। साधन, चुप करके शांति के साथ बैठ जाओ। अरे गुरुजी, शांति तो आज आई नहीं, कहो तो टीना के साथ बैठ जाओ। यार विकी, गुरुजी कुछ इसे नहीं लगा है, जोनो तो भी नहीं पता पीछे तार रखे हो। अरे नहीं, ईसा ना लगता, ईसा लग गया है, जोनो गूंदर कुटन का लोटा है। इसने तो देखने में भी टोटा से। सब खड़े हो जाओ। क्यों मस रहे हो? क्या हो गया अम्बेले? क्या अम्बेले सिंह है? क्या अम्बेले पूंछ है? सदा मानी चाहिए तुम लोगों को। और दीपक तुम भी, तुम्हारे पिताजी ने क्या क्या सपने देखे थे? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जो क्लासरूम में हंसता है
वो जिंदगी भर रोता है। स्टुपिड। एक बात मेरी गांठ बांध लो तुम, जो क्लासरूम में हंसते हैं वो जिंदगी भर रोते रह जाते हैं। मास्टर। गुड, वेरी गुड। काफी प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड है तुम्हारा। 10th में 92%, 12th में 89%, फर्स्ट ईयर में 62%, सेकंड ईयर में 35%। मुझे लगता है फाइनल में तुम्हारे पास होने के भी लाले पड़ेंगे। अच्छा नाम रोशन किया है तुमने अपने माँ बाप का। आए दिन हॉस्टल में झगड़ा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, क्या क्या कारनामे नहीं किए तुमने हॉस्टल में। अपने माँ बाप के सपनों के साथ साथ अपने जीवन को भी मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लो अपने रेस्टिगेशन लेटर्स और तफा हो जाओ यहां से। सर प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दो सर। अब जो कुछ भी कहना है अपने माँ बाप से जाके कहना। सर प्लीज। गेट आउट। अरे के कमी रह गई थी मारी करनी में जो तने यो दिन दिखाया। किस किस डाला तेरी पढ़ाई का खर्चा पुगाया से हमने। तने एक टाइम का अच्छा खवान ताई तेरे माँ बाप ने चार टाइम रूखा सूखा खाया। हर तने मारी खून पसीने की कमाई, तने मारी खून पसीने की कमाई जुए और शराब में उड़ाई। अरे शर्म आनी चाहिए तने, शर्म आनी चाहिए। अपने आप ने संभालो जी, यो तुम्हारे पास लेकर माँ का फल से जो हमने ये भुगतना पड़ रहा सर। अरे के सपने देखे थे सब माटी में मिला दिए। अरे मेरी छोड़, कम से कम अपनी माँ की कैडे देख लेता। इसने तू कामयाब बनाने ताई अपनी एक एक इच्छा का बलिदान दे दिया, सब सपने माटी में मिला दिए तने। छोड़ो जी, जो होना था वो तो हो लिया, ईब तो आगे की सोचो, करना के है। रणजीत। ओ रणजीत। हाँ दलीप। किस सोच में डूब गया भाई? किस सोच से भाई दलीप? जिसके सारे सपने टूट जाए, जिसकी औलाद इसी लकड़ा हुए, वो के सोच सके से? देखे घनी बावली बात नहीं करा करते, अपने आप पे न संभाल। देखे भगवान के आगे किसकी चल है भाई, जो होना था सो हो गया। इब तो तू आगे की सोच, और मेरी सलामा ने ना तो दीपक ने ब्याह ले। अरे क्यों पाप का भागीदार बनाओ से दलीप, यो शराबी कबाबी किसकी पार गाल लगा। अरे क्यों किसी के बालक ने दुखा में फसावे से। सारी आन ओली नहीं सोचा करते, जिम्मेदारी पड़े पाछे बड़े बड़े सो दर्जा से। और जब होड़िया शानी सुपात्र आ गई तो सारी ना बात ठीक हो जाएंगी, यो गलत संगत भी छोड़ देगा। ठीक से भाई, थारी न्यू मर्जी से तो न्यू कर लो। ब
बेकरार दिल को कैसे संभालें कि सब्र की इंतहा हो गई है। उठा के पर्दाए हुस्न दीदार करा दो कि तेरे दीवाने की चाँख हो गई है। ये हंसी काम अपने हाथों से कीजिए, सुलगती दिल में मोहब्बत को अंजाम दीजिए। जलवाए हुस्न का दीदार ऐसे किया नहीं करते, पर्दाए हुस्न हटाने से पहले तोहफा तो दीजिए। भाई बहुत खूब। ये रहा आपका तोहफा, और अब हमें अपने चांद का। ऐसा नहीं है कि आज तक हमने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी, मगर इतनी खूबसूरत मेरी बीवी होगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। जी आप भी बहुत हैंडसम हैं। शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे माता पिता ने जिस लड़की को देखा है पता नहीं कैसी होगी, I love you, आरती। सच्ची? मुझ? रहने दो जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई में मुझे तुमसे प्यार है। अच्छा तो जो मैं कहूंगी आप वही करेंगे? ऑफ कोर्स। इस हसीन सिचुएशन पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सच्ची? मुच्ची। मुझे वैसा ही पति मिला जैसा मुझे चाहिए था। लेकिन मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। क्या? उससे कहीं बढ़कर हो। अच्छा देख आरती, दूर दूर तक जितने भी खेत नजर आओ ना ये सारे मारे हैं। सच्ची? अरे देख गिरेगी मेरे यार, कसाई है ये। लो जनाब बुद्धू। आरती आरती आरती, पता है आरती मैं तने खेता में घुमाने खातर क्यों लेकर आया हूँ? क्यों? कहाँ तो वो भीड़ भाड़ और चकाचौंध भरी शहर की जिंदगी, और कहाँ ये लहलहाते खेत और खिली हुई पीली सरसों। इस खूबसूरती को देखकर लगता है कि इन्हें निहारता रहूं। क्यों? आप बिना किन टिपिकल बातों में खो गए, देखो कितना रोमांटिक मौसम है। देखो आरती। आप बताओ इन खूबसूरत नजारों में मैं कैसी लग रही हूँ? ईसा से भगवान न्यू कर, इन चाबिया ने बहुत दे दे, इनने का राज और इनने का पाठ, अपने ना आप संभालेंगे। ठीक कहो सो, ले बहू। अर दिखे बेटी, न्यू ना समझिए के हम अपनी जिम्मेवारियां तो बाजन लाग रहे से,
जब तक हाथ पैर रहोगे कमावांगे। माँ या किसी बात करने लग रही है माँ, इन चाबियां का हमने क्या करना है? मेरी माँ है ना, कोई बात है ना? हट ले बेटा। ईशा से बेटा, मारी दौलत है तमसो, हमने नहीं चाहिए थारी चाबी। अरे एक बात और सुन, हम जावा सा बाजार में, सांस तक आ जाएंगे, घर का ध्यान रखियो, ठीक से? ठीक है चल भगवान। हेलो। हाँ के प्रोग्राम है इबे? हटो जी। कोई कोने हटो जी। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, किसा भरम। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, भाई किसा भरम। ललोट भाई, हाँ देखिए, ध्यान से ये भाई रणजीत, देखे दुख न भुलाण की कोशिश कर, मरना जीना तो मेरे यार उपराले के हाथ से, और जे तू इस हालत में घनी सी चिंता मान गया तो ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे भाई। ठीक कहे भाई, ठीक से के बताऊ दलीप, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम तो समझा थक लिए चाचा, आप पे समझाओ, मारी तो सुनते है ना भाई। देखे इन बालका की ओर ने देख, इन तेरा बहुत सारा से है, और तू ये बोधी बात करेगा मेरे यार, तो इनका क्या हाल भाई? मर्द मानस ने इतना लंबा दुख शोभा नहीं देता। देखे किसाए मर जा उससे बिना सर जा, इब तो तू दवा दारू लेके तावड़ा सा भला चंगा हो जा। देखे सब भाई तेरे मुंह के ने देखन लाग रहे मेरे यार, इसे में तो तू हंस मुस्कुरा है। देखे भाई बैठे तेरे मुंह के ने देखे, हंस मुस्कुरा के देखा। मुस्कुरा के भाई आज के देखा होगा, इससे बात पहले नू चाय पिवा दे भाई, और गेला कुछ खान का भी लाइए भाई। आए चटोरे। मैं यो गया यो आया गर्मा गर्म चा ले गए तगाचे तो ले बेटे। आरती रे सुने है के? हाँ जी। यो जगर गिलास भीतर ने दर दे, पांच छह कप चाय बढ़िया सी बना दे जी। न्यू बताओ, तेरवी भी होली, ई भी लोग किसके नाम का धरना दे के आड़े बैठे से? देख भी आरती बात सुन, तेरा अम्मी होए थे के आदमियां गाना देना बंद होया करे, और फिर जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो रहा हो, उड़ा आस पड़ोस के लोग दुख दर्द में ना होंगे तो फिर कौन आओगा है? ये आस पड़ोस के लोग दुख दर्द में ना आते, ये तो थाली से हैं। थाली बैठे ने बाना चाहिए से सिर जोड़न का, इन्हें बेरा से दुख दर्द के बाने अच्छा तो उक्का मिल जाएगा और अच्छी मिल जाएगी चाह पीने। फालतू बात ना करा करा आरती, तू समझदार है फिर भी, जल्दी जा और चाह बना ले, और सुने दो गोसे आरे मिला दिए कि यो एक काम से के मने सवेर की 65 रुपए तो चाह बन ली और 250 गुस्से फूक दिए। आहिस्ते बोल कुछ सुन लेगा तो के कहेगा? सुनेगा तो सुन लें दे, सुबेर का इतना तो इंधन फूक दिया और के चौमासिया के मैं अपने आड़ बालूंगी। बात सुन, घनी बोली है घनी, भीतर न जाकर चुपचाप चाह बना ले, ना तेरे अड्डा न रंग दीवा। आई है चमासे वाली।
तो आज जनाब का मूड ऑफ है। मेरे ते बात मत करे। सोना जानू ओए सभेरे वाली बात तब इबती नाराज है। इब रात होली इब प्यार जतान लग गया। दिन में तो मेरे बड़े आड़ रंगे था। रे तू बात तेजी कर रही थी जब उठ गया छो। ओहो तेरा छो तो न्यारा हो लिया। जो पड़ोसियां की बात पे अपनी घराली पे उतरे से तने शर्म तो नहीं आती होगी। जानू हेलो इब जान भी देना है। देखे आज पाछे मेरे ते इस तरिया पेश नहीं आ जाएगा। मेरे बाबू ने कदे मेरे ते पानी भी नहीं मंगवाया था पर हाड़े ढूंढ में आके मने गोबर तक पाथ्या से। बता कि मैं इंसान ना हूं कदे चा बना कदे आग बना कि मेरे में जीना है। मेरी बात सुन ले आज पाछा हाड़े कोई फालतू मानस नहीं आ जाएगा नहीं तो छोड़ छाड़ के चली जाएंगी। हेलो हेलो छोड़ देगी मने नहीं चल सॉरी मांग सॉरी ए बावली की तेगी चल सो जाई भी। भाई रणजीते बस मोहरी कसूत भीड़। अच्छा और ताऊ झंडू चढ़ गया बस में और उसने देखा कित सीट नहीं और जो तीन आली सीट हो से ना उड़े देखा तीन छोरी बैठी कॉलेज आली सच्चे और उन्हें देखा अरे सूत बैठ सके है आ? बोला सरगी ये बेटी थोड़ी सी ओहो छोरी सरगी। अच्छा? और ताऊ बैठ गया और पांच चार खड़िया में ताऊ ने सारी जगह बना ली पूरी बैठने की सच्चे? और ताऊ चौड़ा होकर बैठ गया। अच्छा और बिचली छोरी थी ना वह बच गई नू नू करके और खड़ी होगी। बोला ताऊ जी आप हम लोगों को कुछ समझते नहीं हो आप लोग लेते हो हम लोगों की जगह पे बैठ जाते हो हम लोगों की भी कुछ हैसियत है आप लोग हम लोगों को कुछ समझते नहीं हो हम लोग रणजीते रेल बना दी। अच्छा ताऊ को उठा छो बोला ये छोरी चुप अरे डांट रहा बस ने जे ये लोग हो गए ताम ते न्यू मुछे ने बनाए अंडा सा। के हंगामा मचा रखा सा अरे भरी दोपहर में भी थमने किते ठिकाना नहीं मिलता के यो बुड्ढा तो पड़या सा ठाली थारदर भी और कोई काम ना सके जे कोई आराम करना चाहवे तो थम उसने आराम नहीं करन देते खी ला रखी से चलो खड़े हो लो आड़े थे आजा से ठाली किते के एक बात सुन लियो आड़े आन की कोई जरूरत ना से ना तो अपनी बेइज्जती करा के मानोगे चलो ई उठ लियो चलो आड़े थे निकलो सुनता कोनी के उठ ले चल आड़े थे। अरे सत्य अरे इन खबरों ने भीतरे भीतरे गोट के पी होगा कम ने भी सुना होगा है मेरे यार हमने भी सुना दे दो बात क्या रही से। अरे सुंडू हाँ भाई फोटू दलीप प्याली छोरी का नहीं से। अरे अम्बे यो तो वाक्य में दलीप वाली छोरी से और के लिख रखा क्या बता तो सही पड़ गया भाई इसका नाम और गांव का नाम भी लिख रखा से पूरे अच्छा? जिले में फर्स्ट आई से। अच्छा इसने तो गांव का नाम रोशन कर दिया भाई। अरे भाई सुंडू हाँ यो तो मेरे यार पार्टी का हट हो गया और चाल दलीप ताई खबर देंगे भला ई मुंह ना तो धोले फिर इते मुंह ते ठेके पे धोवांगे चल फिर आ। यार सुंडू एक बात तो है हाँ अक दुनिया का हाय छोरा आग लाग रही छे कती लाग रही है भाई और चौधरी रणजीत ने देख उसकी आज के रेर माटी हो रही छे ठीक है सब भाई और चौधरी दलीप दलीप की छोरिया ने पूरे हरियाणा में आज नाम रोशन कर दिया दलीप का कती नाम रोशन कर इसे छोरिया ने फुक्के घेर के ना भाई है? कोई जरूरत देख उसका बुढ़ापा खराब कर दिया ठीक है सब भाई।
सुंडू हाँ कुंडू आज तक पार्टी कर डी लेंगे कत्ती ठोक कर लेंगे भाई ठेके बचा लेंगे अरे दिलीप भाई अरे आजा भाई आजा राम 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 भाई राम राम आ भाई कुंडू और दिलीप अरे बड़े मौके पे आए भाई के बात है बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनानी थारे ते खुशखबरी तू अपनी बात करे से अड़ा सारे गांव में रुक का पाट रहा अच्छा और बेटी रितु का फोटो अखबार में छप रहा ओहो हे राम हे भगवान अरे पारो आइए एक बे क्यों भाई बात देने क्यों रुक के मारे से अरे तेरा मुंह तो मीठा करवा दू कोई गुड़की डलिए खवा दू कम से कम है मेरे यार हमने कोतरू ला रहा तू हमने पड़खने बनाओगा और के चाहिए भाई हमने काली गेटी आली की शक्ल देखे घने दिन हो लिए और चुप चला ठेके का ना हो ले भाई भाई खुशी का मौका से पार्टी तारी पक्की बड़ी पार्टी दूंगा तारी हाजरत भी मंजूर मैं कई दिन तो बाहर जा रहा था कुंडू अच्छा कोई बात ना जब के बात होगी हाँ बस न्यूए रणजीत का ख्याल से आ रहा था तुम गए हो के ज्ञान से उसका दलीप रणजीत भाई का तो हाल ना बुझे तो बढ़िया ऐसे भाई के भया रे रणजीत की उसके छोरे ने और उसकी बहू ने खराब माटी कर रखी से भाई हमारे भाई रणजीत का बुढ़ापा खराब कर दिया भाई बुढ़ापा खराब कर दिया भाई दलीपे तू भी मत जाइए उड़े हम दोनों गए थे मरी गया तो बहुत बुरा व्यवहार करा भाई उस बहू ने हम तो शर्मा शर्मी कुछ बोले को ना भाई रणजीत की इज्जत का ख्याल था अच्छा भाई हम चलना सा जाए ते सरेगा रणजीत ओ रणजीत बेटे रणजीत से कोने आड़े कोना हैं ये खांसन की आवाज आन लाग रही मन दिशा लागे जनु भाई भीतर हो हाँ हाँ भीतर ही से क्यों मारा जीना आराम कर रखा से जी लेन दे हमने बस लेन दे मने सारा बेरा से युगाम युगाम हमने बस्ता देख कती राजी को ना बेटे काम ते तुमने बस्ता देख के खूब राजी से पर मेरी समझ में न्यू नहीं आता आकाश तू बोलन क्यों करला ठीक बोलू सु थम तो सो ठाली पर मेरी एक बात सुन लो आज पाछे आड़े नहीं आ जाओगे नहीं तो अपनी बेइज्जती कराए बिना नहीं जाओगे आज ऐसे खाम खाचा पीने आरती पेश ले एक बार ले ओ के बात रे इवती नाराज है के है रे इव तो मान जा मेरी पान की दुगी है 24 घंटे इव जा इव तो हटो देखो बाहर कोई आया जाओ जब भी थोड़ी बहुत बात बनने लग गए कोई ना कोई टपक जाए अरे यो बेरी तो गाड़ी समेत टपक गया है जाओ ये मेरे यार जी कहिए आप दीपक हो ना जी हाँ क्यों बेटा मैं करण शर्मा करण शर्मा वो जी नमस्ते 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 तुम्हारे पिताजी नजर नहीं आ रहे जी वो बैठक में है मिल लो ठीक है करण शर्मा चाचा रणजीत चौधरी रणजीत रे के हाल मेरे भाई रे करण हाँ चौधरी रणजीत तेरा छोटा भाई करण किसा चौधरी करण भाई चौधरी तो उसने कया करे से जो खेत में एक मुट्ठी फेंक के अरे एक बोरी नाज काट लिया वजह जो अपनी दो टाइम की रोटियां टाइम भी किसे का मोहताज से वो किसा चौधरी करण है
वो किसा चौधरी। के बात भाई रणजीत, मेरा शेर जैसा भाई आज किसी बात करे से? तन्ने कोई तकलीफ हो मन ने बता, बहु बेटे तेरी सेवा करे से? ना करण भाई, मेरे बहु बेटे तो लाखा में एक से, मेरी बहुत सेवा करे से। भाई दिखन लाग रही से मने जीसी तेरी सेवा हो है, तू अपने भाई ना कति पागल ला रहा है? लिया मैं बुझूंगा इनते। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन करे अपने माँ बाप का। तुम जानो सो तुम किसकी औलाद सो? उस आदमी ने तो इंसान बनाने तई अपनी सारी जिंदगी कोयले की तरह भट्टी में झोंक दी, और वो आदमी आज तुमने किला फोड़ दिया। मत बोलो, जो काम आए सो करन वो करके अपने घर ने चलो। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन करया तुमने। चाचा। के चाचा? तने के जरूरत थी उसके शैमी बोलन की? तन्ने के जरूरत थी उसकी मेर लेन की? मित्र ना चाल। अरे आरती, तू ये बैग में अपने कपड़े क्यों गालन लाग रही है? तन्ने ना बेरा, जब कोई बैग में कपड़े गालिया करे से तो उसका मतलब हो सब कितने जा से। जानू सोना, पर तू कि चली? अपने घरा जाऊंगी। घरा क्यों? क्योंकि तन्ने ना बेरा, वो बुड्ढा कितनी बेइज्जती करके गया से। उस बुड्ढे ने कितने मुंह दिखानता ही छोड़ दे साम, मानस मानस आगे मारी बेइज्जती करन लग रहा से। अरे फिर के बात हो आरती, बड़े शाने कह दिया करे हैं? सुनगी की बात है। हाँ हाँ, तन्ने के फर्क पड़ा से मेरी इज्जत बेइज्जती का, मैं तो जाऊंगी। आरती आरती मान जा, इस बैग बैग के चक्कर ना छोड़ दे, और मैं पिताजी ने समझा लूंगा। तू उस बूढ़े ने समझा या ना समझा, मन ने फैसला कर लिया से, कहते इस घर में बूढ़ा रहेगा या रहूंगी मैं। भाई जमा बावड़ी है, थोड़ा दिमाग तक काम ले आरती, दिमाग ते। मतलब यो के इब्बे जमीन की कागजी कार्रवाई का निपटारा ना होया है, बस जैसे ही जमीन का निपटारा हो जाएगा मैं बाबूजी का भी किमिन की मेरा करे दूंगा, समझी? समझ गई। सॉरी बोल। सॉरी। जमा बावड़ी है। ले खा ले, ठूस ले इसने, बढ़िया बढ़िया पूजन लग रहा से। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
मन में याद पिया की मन में जागी आग बदन में ओ कोई काटड़ा बेकाऊ अरे है क्या कोई काटड़ा वाटड़ा कोई काटड़ा बेकाऊ ओ भी आ काटड़े वाले हाँ बहन जी अच्छा मारे से काटड़ा बिकाऊ रुक क्या आते गया भाई आ जाने बहन जी खाम का क्यों मजाक कर रही हो यहाँ ना तो कोई भैंस ना कोई काटड़ा एक बात बता काटड़ा किसने क्या करा तू मैं कुछ समझा ना हूँ मेरा मतलब काटड़ा उसने तो कहता होगा जो ठाली पड़ा खाए जैसे जिसका रोज का खर्चा हो और जिसका कोई भविष्य ना हो उससे ने तो कहता होगा तू काटड़ा पर के आजा भीतर ने भीतर से काटड़ा आजा है? आजा भीतर ने देख यो के काटड़े थे कम से हमारे घर में तो यो ऐसे काटड़ा जो पड़िया पड़िया रोज का सेर नाज खा जैसे और जिसका रोज का खर्चा हो अरे काटड़ा तो फिर भी कच्चा पक्का खा लेंदा होगा पर इस बुड्ढे ने तो रोज का पका पकाया चाहिए मारा जीना मुश्किल कर रखा सा इस बुड्ढे ने इसने ले जा तू इसका कीमत दिन दो तो दे दियो और ना दिन दो तो ना दियो मारे बुजुर्ग की पूरी उम्र पशु खरीदने में गुजर गई और मैंने भी जब तक होश संभाला से पशु खरीदे से कत कोई मानस नहीं खरीदा मेरे अल्लाह ये तूने कैसा दिन दिखाया है लो बहन जी पूरे 10,000 से गिन लो चल बाबा आज तो तेरा खूटा बदल गया से चल मेरे साथ चल मने तो भी रही ना था यू सड़ियल बूढ़ा भी 10,000 रुपए में बिक जाएगा
कुछ कहना चाहो सो? सिर्फ पूछना चाहूं सो बेटा, मैंने सुना से आदमी के शरीर के भाग भी बिक जा सा, लेकिन यो अपाइस तो इस लायक भी नहीं। फिर तो न मेरे जिसे आदमी ताई कि तो मैं तेरे ताई घाटे का सौदा तो नहीं सु। बेटा शब्द का मैं तो क्यों हो सर, ये किसे अनाथ तो पूछो। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं अपने बहुत पहले का जानू सू। जब मेरी उम्र 10 साल थी, जब मैं अपने दोस्त महफूज के साथ आपके गांव में काटरे खरीद गया था। ले भाई, धीरे लो भाई, आओ भाई, आ जाओ, बैठो। अरे सत्यवान है, पत्तल लेगा भाई? ले आया भाई। धर पत्तल, खाना खवा बालका ने। ले तू भी भाई। हाँ तो बेटा, के नाम से तेरा? जहीर। और तेरा भाई? महफूज। ठीक से। अरे सत्यवान है कि मैं खाने भी लाऊंगा भाई। ले आऊं भाई। लो भाई, लो। और बेटा कोई बड़ा नहीं थारी गल्ला, तुम एकले हो। चलो भाई, खाओ खाना। हे भगवान। आज अल्लाह ताला ने मिलाई भी थे किस रूम में? आप मेरे तनु पूछो थे ना कि मैंने यो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं करे। आज इस कसाई जहीर ने तो बहुत फायदे का सौदा करया से। आज इस अनाथ ने उसका बाप मिलने से, उसका बाप बाड़क पड़ते लेकर आज तक सुनता आया था। अबू से, अम्मियों से, वो किसे हो से देखे नहीं कदे। आप हिंदू सो, मैं मुसलमान सू, मैं अपने अपने घर ले जाना चाहूं सू, आपकी सेवा करना चाहूं सू। आपने कोई एतराज तो नहीं? किसी बात करे से बेटा, मेरी हालत तो उस गाय जिसी से जिसने इस्तेमाल करके सड़क पर धक्के खानता ही छोड़ दे जाए। इस तरह के जानवर ने कोई दो टाइम का चारा डाल दे। चल अबू, घर चलेंगे। आ गए जी आप? आज इतना टाइम कित लगा दिया? अरे तू मेरी छोड़, आज बाबूजी ना दिखे मने। क्या करेगा उस बुड्ढे का, इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़वाया सर। आरती, के मतलब आरती? मतलब यो ऐसा कि मन्ने वो बूढ़ा एक कसाई थे पूरे 10,000 में बेच दिया बाबूजी।
यो तने की करया? समझाई थी ना मने तू? दिखा दी ना औरता वाली हरकत? सही कही है किसी ने, इन औरता की कल गुद्दी पाछा हुआ है, गुद्दी पाछा है। सबर ले यात्रे पे, कई दिन तेरे इंतजार कर लिए, के बिगड़ जाता तेरा? ईसा के कर दिया मने, क्यों मेरे पे इतना गर्म हो रहा था? बावली औरत, 10,000 के चक्रा मत ना, पूरा 2 करोड़ रुपया का नुकसान करा है, 2 करोड़ रुपया का। 2 करोड़ रुपये का? वो किस त्रिया? मंत्र तक ही थी ना, कागजी कार्रवाई पूरी होने दिए, बाबूजी के साइन रह रहे हैं, साइन होने दिए तेरे? जी आपने तो क्या आता है, पूरे साइन हो लिए। मैं तहसीलदार को ना एक और भर्रा मेरे हाथ में थमा दिया, साइन करवा के ला। हाय, यो की कर दिया मने, मने तो नुकसान कर दिया, जीवो का साई ले गया बूढ़े ने साइकिल पे बिठा के, देखो गाड़ में होगा, जाओ। देखो सुब बैठ जा, गाड़ में होगा, सारा नाश कर दिया, कदा कल आओगी। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अब्बू, ये है हमारा गरीब खाना। जरीना, अरे ओ जरीना। आई। आ गए आप? अरे ये कौन है? अरे जरीना, आज से यही हमारे अब्बू हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब कुछ। अब्बू, ये हमारी बेगम हैं। आदाब। अरे जरीना, एक चादर लाओ फटाफट। अभी लाई। आज से इसे अपना ही घर समझो। हाँ, ये लो। जरीना, आज से अब्बू भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, अब और कुछ ना कहो। इस घर में हमारे सिर पे किसी बुजुर्ग का हाथ ना था, इनके आने से हमें हमारे अब्बू मिल गए। इनकी सेवा करके हमें इनका प्यार और दुआ दोनों मिलेंगे और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे अब बातें ही करती रहेगी या खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? जा। हाँ हाँ, अभी लाई। अब्बू, तुम्हारी आंखों में पानी? नहीं बेटा, मैं तो यूं सोच रहा था, लेड़ वाला वो से तो देड़ वाला भी वो ऐसे, और तेरे और जरीना के रूप में मेरे तो बेटा और बेटी दोनों दे दिए। आज मैंने दोनों मिल के बेटा, दोनों मिल गए। अब्बू, आज एक वादा करो, आज के बाद तुम रोगे नहीं। जरीना, सुनो जरीना, अब्बू हिंदू से और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया करें, उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगना चाहिए, समझ गई ना? मैं सब समझ गई। ठीक है, ठीक है। चाची, चाची, हम तो कती बर्बाद हो गए। चाची, मरते बहुत बड़ी गलती होगी, हमने माफ कर दे। हमने अपना ससुरा कित कितना टोया, पर वो हमने कितने ना मिला। चाची, हमने सिर्फ ही बाप का सहारा से एक बे मौका दे दियो, एक बे मारे ससुरे ते मिलवा दियो। हम तो ढूंढ ढूंढ के छिक लिए। क्यों इसे यार है? ससरा ना चाहिए तमने, तमने चाहिए 2 करोड़।
दो करोड़ चाहिए तुमने, 2 करोड़। आई ससुरे वाली, इसी ससुरे वाली होती तो तू लूट कर दिखाती। हमने तो थारा नाश कर दिया, नाश कर लिया था हम तो थारे जो ही फिर। मंजू के बाबू घर आए ने नू नहीं बोलिया करती। चुप रह, आई से बारे साली। और तू भी कान खोल के सुन लिए, हमने नहीं बेरा तेरा ससुरा कित से, और बेरा होता ना जब भी नहीं बताते हम तने। ससरा ससरा देखे, वो जीतता मरता जड़े भी होगा, थारे तो अच्छा ही होगा। लेकर चल दुआरी ते, चली जा, मारे घर में दोबारा तेरा परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। यो तुमने क्या कह दिया? ओ कुंडो, मने ऐसा क्यों लगा है जनू मैं कुत्ता हूं? तने नू बता कत्ते लग गया यो? जब तक मैं पल्ला था। ओए ओ देख रहे, वो औलाद आने लग रही। एक बात से कुंडू भाई। हाँ सुंडू बोल। भगवान भी मरी गेल ले था। हाँ। अच्छा होया मारा ब्याह ना होया। के मतलब भाई? जब मारा ब्याह हो जाता तो मारा औलाद होती, और जब औलाद होती तो भाई रणजीत की डाल मारी भी रेमाटी होती। ठीक कहे सुंडू तू ये बात। जड़े पे नमक मत छिड़को दाता ना, इसमें मेरी कोई गलती को ना, मैं खुद दो पाटा के बीच में पिसकर रह गया। हाँ तू बड़ा दो पाटा है बीच में पिसा, एक पाट तो तने घर तबार काट दिया, और दूसरे पाट ने घर न बैठा के पूजा कर ला गया से चाम तार दे उसका। चाचा उस बात न छोड़ो, न्यू बताओ मेरे पिताजी का बेरस है? हाँ बेरस है, कार में बैठा था पाछे ने, और दौड़ी टोपी वाला गाड़ी ने चलावा था, और कार मारे आगे का जू देने सी गई। अच्छा न्यू बेरा हकिंग ने गई है। हमने नहीं बेरा किंग ने गई। सुंडू भाई। हाँ कुंडू भाई। यो अपने बाबू ने नहीं बूझता, जो उन 2 करोड़ रुपया ने बूझता अंडे से, 2 करोड़ रुपया ने। ठीक है सर भाई, यो उन 2 करोड़ रुपया ने बूझता अंडे से। आ गए आप? हाँ जी आ गए। अब्बू को खाना खिला दिया क्या? हाँ हाँ अब्बू को खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दी। बहुत बढ़िया किया। एक बात बताओ। हुँ? वो आपके ही अब्बू ज्यादा है क्या? हमारे भी तो अब्बू है वो। ओए होए होए जरीना, आज तो बहुत हसीन लग रही हो, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चलो कुछ तो शर्म करो। क्यों?
अब तो आप भी अब्बू बनने वाले हैं। हैं? मैं अब्बू बनने वाला हूँ? ज़रीना, तुम अम्मी, मैं अब्बू, फिर से कहो ज़रीना, फिर से कहो। हाँ हाँ, आप अब्बू बनने वाले हैं। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। परसों के बाद तूने हमारी ये मुराद पूरी की। अब्बू हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं। जब से उनके कदम इस घर में पड़े हैं, अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर पूरा मेहरबान है। अब्बू तो बेट ठीक से ना? जिसका तेरे जिसा सेवा करनिया बेटा हो, वो कदे बीमार रह सके से? ठीक से ना अब्बू? एकदम ठीक सू बेटा। बेटा जहीर, हाँ, मैं तेरे ते एक बात करना चाहूँ सू। वो जो जमीन वाला पैसा से, उसमें तो तू अपने लिए भी कुछ रख लेता, तने मेरी इतनी सेवा करी से बेटा, तेरे प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज से। ना अबू ना, जमीन का पैसा तो ट्रस्ट का पैसा से, जिसते अम्मी के नाम पर वृद्ध आश्रम बन लग रहे से, और आपने 1 तारीख ने उद्घाटन भी करना से। मैं जमीन के पैसे में तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं लूंगा। जब जब लोग इस कहानी का जिक्र करेंगे, सब जही ने खराब आदमी बताओगे। यही कुछ देर की बात तो आपकी दुआ अब्बू, मैंने सब कुछ मिल गया से। अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुराद पूरी कर दी अब्बू, सारी मुराद पूरी कर दी। जब ते आपके मुबारक कदम इस चौखट में पड़े से, अल्लाह ताला खुशियां खुशियां बरसाने लग रहे से। आप दादा बनने वाले से अब्बू, दादा। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र से। बेटा जहीर, तेरा बेटा भी तेरे जिसाई संस्कारी हो है, और बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बने मेरे बेटे, बहुत बड़ा अफसर। किसी बात करे से यार दली, हम इस माटी में माटी हो गए, अपने बालका की रेरे बाटी धुन करवाएंगे। अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा। अब्बू, अब्बू क्या सोचने लग गए थे? कुछ नहीं बेटा। ना अब्बू, सब करमा का चल कुंडू। हाँ भाई। दिलीप भाई दोरो चल आए। हाँ भाई चल। और चल ना के देख, वो आए गया भाई। दिलीप, हम तो तेरे दोरे यान लाग रहे थे। मेरे दोरा? अरे यार, घने राजी दिखो से तुम। के बात भाई? भाई रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया? रणजीत का बेरा पाट गया भाई रणजीत? अरे ठीक थे सबो भाई? कति ठीक से। और देखे भाई ने सेना भाभी के नाम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवा दिया, और पूरे गांव में कार्ड बटवा दिए, और तेरा तो भाई हम खुद ले आए कार्ड, और 1 तारीख में उसका उद्घाटन से। अच्छा रे। हे राव, हे प्रभु, मेरी माया, भाई ठीक ठाक आ गया, तुमने बहुत बढ़िया खबर सुनाई। चलो इब नहीं रुका जाता, चल आगे भाई। भाई इब भैया, श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सब भाइयों का स्वागत। यह संस्था उन मजबूर बुजुर्गों ताई बनाई गई से, जिनको खुद अपने बसाए घर में जगह नहीं मिलती, और जिनके अपने सगे अजीज बोझ समझन लाग जा से उनने। आज आप जैसा के देखते हैं, समाज में वो समय आ गया है कि माँ बाप तो 10 बालका का पेट भरते से, पर 10 बालका तो माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। मैं चौधरी रणजीत सिंह, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया, और प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर वो इस संस्था को विधिवत समर्पित करें। भाई रणजीत,
श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज इस वृद्ध आश्रम की स्थापना करी है। यूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में रोज कोई ना कोई संस्था किसी न किसी स्कूल का, किसी वृद्ध आश्रम का, किसी अनाथालय का रोज निर्माण करवावे से। पर हरे थोड़ा सा फर्क से श्रीमती निर्मला देवी किसे मसाले बनाने वाले सेठ की पत्नी नहीं और ना ही किसे उद्योगपति की माँ थी। या निर्मला देवी तो इस साधारण किसान रणजीत सिंह की पत्नी थी। वो बदनसीब औरत थी जिसने शादी के कुछ समय के बाद अपने पति इस रणजीत सिंह ते एक कंठी की गुहार करी थी। आज जिसके नाम ते इतना बड़ा वृद्ध आश्रम बनन लाग रहा से, यो बदनसीब जीते जी उसके लिए कंठी भी नहीं बनवा सका। इसका मतलब यो नहीं कि मैं नकारा था, जुआरी था, शराबी था। हमारी गलती तो बस इतनी थी कि हम सिर्फ अपनी औलाद के लिए जिए, अपने बारे में तो हमने कदे सोचा ही नहीं। हर आज उस औलाद ने हमें हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी जब इतने दिना के बाद मैं अपने बेटे ने देख रहा हूं तो मेरा जी करे से इसने गले तो लगा लू। शायद यो मारे हाथ में ही नहीं से, या ये तुम्हारी ममता से। लेकिन आज यो मारा बाप बेटे का मसला नहीं रहा से, आज यह बात मारे घर तक लिकट ली। आज यो हजारा परिवार का मसला बन गया से। आज इस रणजीत सिंह ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो कालिया कहानी फिर दोहराई जाएगी, फिर कोई रणजीत सिंह बेघर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी संपत्ति तर अपनी जिंदगी तर अपने बहू और बेटे को बेदखल करता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने दूसरे बेटे जहीर के ताई भी कुछ कर सकूं, जिसने खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी जो मेरे लिए करयास है उसका बदला तो शायद मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन एक जिम्मेदारी तो आज इसने लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से मेरे जैसे उपेक्षित बुजुर्ग की सेवा करने की। मैं आज इस संस्था का, इस वृद्ध आश्रम का, इस ट्रस्ट का संचालक जहीर को नियुक्त करता हूं। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, किसा भरम। सबकी कहानी लिखी लिखाई